तो आज हम थोड़े यूनिक स्टाइल से थोड़े से डिफरेंट टाइप के कबाब बनाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत तो होंगे, लेकिन खास बात ये इनका टेस्ट बहुत डिफरेंट होने वाला है। ये चीज आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी, और इंशाल्लाह रेसिपी देख लेने के बाद आप फौरन से ये रेसिपी ट्राई करने पे मजबूर हो जाएंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए उबले हुए आलू। तो एक बड़े साइज का आलू, जिसको मैंने काट के बॉईल कर लिया था, इसको हम यहाँ पे ग्रेट कर लेंगे। उसके बाद हाफ कप के करीब हम इसमें पफ्ड राइस, जो फुलड़ियां होती हैं चावलों की, वो ऐड करेंगे। मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं और उनका टेस्ट बहुत ही मजे का होता है। और साथ इसमें 3 से 4 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा। और ये है हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स, जिनमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छा कुछ बंद गोभी है, ये ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई। और ये है हरी मिर्चे, ये जाएंगी 2 से 3 अदद थी। हरा धनिया ऐड कर देंगे। और एक खास चीज जो मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि कबाब में और टिक्की में यूज किया करें, वो होती है फ्रेश लाल मिर्च। इसकी जो खूबसूरती होती है वो तो होती ही है, इसकी फ्रेशनेस बहुत होती है, इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी होती है। अब यहां पे हमने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून बेसन ऐड करना है अच्छे से छान कर, और फिर हमने इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे, साथ ही इसमें जीरे का टच देंगे, कुछ धनिया पाउडर ऐड करेंगे। तो ये दोनों चीजें इसमें जाएंगी। फिर आपने इसको अच्छी तरह से कर देना है मिक्स। पानी आपने ऐड नहीं करना, जो आलू है और प्याज है उसी के पानी के अंदर ये शानदार सी तो आपको डो मिल जाएगी। ये देखें कुछ इस तरह से, और बेसन आपने बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना, उससे टेस्ट भी डिस्टर्ब होगा और साथ ही साथ ये जो खूबसूरती नजर आ रही है ना मसालों की, ये भी नजर नहीं आएगी। तो हम इसके इस तरह से कबाब बना लेंगे। और उसके बाद बिस्मिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लो टू मीडियम फ्लेम इसको फ्राई करते हैं। लोग जब भी कबाब या टिकिया बनाते हैं ना, या अक्सर कच्ची रह जाती है या उनसे जल जाती है। जलती इसलिए है क्योंकि फ्लेम बहुत हाई कर देते हैं, और कच्ची इसलिए रह जाती है कि वो कुक नहीं सही से करते। तो लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इनको डीपली कुक करना होता है। इससे क्या होता है, ये ज्यादा क्रिस्पी हो जाती हैं और दिखने में भी अच्छी लगती हैं। और इसी दौरान अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से मेरा नाम होता है। तो नॉर्मल से फ्लेम के ऊपर अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमते नेमते और बढ़ते दूसरे माता पा मेरे पेड़। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जैसा गुजरात दीजिए। अल्लाह हाफिज।